सो गाइस, अभी तक हम बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, नींद में है मैं और फबिया बीबी। राइट फबिया, यू आर स्टिल स्लीपिंग। ओह माय गॉड, उठ जाओ मैडम। चलें जी, उठते हैं बिस्तर से, कुछ काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट, तो स्टे ट्यून, देखें आज क्या क्या होने वाला है। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम काफी दिन से प्लान कर रहे हैं इस चीज का और हमेशा डिले होता जाता है किसी ना किसी वजह से। आपको मेरी एक्साइटमेंट देखने के लिए, कि मेरी एक्साइटमेंट पता करने के लिए कि मैं क्यों एक्साइटेड हूँ, आपको मेरा पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। इतनी जल्दी क्या है यार, ब्लॉग देखो आराम से और आपको पता लगेगा कि आज मैं क्यों इतना एक्साइटेड हूँ। होप सो मेरी एक्साइटमेंट जो है वो बरकरार रहे और हम लोग आज चले ही जाएं फाइनली। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ किचन में फबिया के लिए नाश्ता बनाने। इस मैडम को हम कराएंगे नाश्ता और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो जनाब, फबिया जो है मेरे साथ करी थी किचन में हेल्प। और फबिया क्या बनाया आपने? मैंने बनाया अंडा पराठा और चिकन बनाया। ये चिकन, अच्छा पहले मुझे बताएंगे एग कहाँ से आया? एग डोरेमोन से आया। डोरेमोन से आया, मुर्गी ने नहीं दिया जी। तो चले जी, अब इसको करवाते हैं हम नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करवाने के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं फबिया के साथ। मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्लैक कॉफी विथ लेमन। जिसने जाके मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जल्दी जाएं, अभी जाएं मेरी वीडियो देखें और आप लोग भी मेरी तरह करें, अपना वजन कम और लाइक करें यार उस वीडियो को, मेरी आगे से आगे पहुंचाएं, लोगों को जितना बताएंगे उतना उनका फायदा होगा। और जाके जी जल्दी से, जितने मैं फबिया को नाश्ता करा रही हूँ, आप लोग जाके मेरी पिछली वीडियोस देखें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। 2 hours later. ये देखें जनाब, ये इसका नाश्ता पड़ा हुआ है और ये मैडम जो है ना, इसके नखरे नहीं खत्म होते। स्लोली खाती हूं। इसका कब से नाश्ता लेके बैठी हुई, तो आप लोग मुझे बताएं जिनके बच्चे हैं क्या वो लोग भी ऐसे ही करते हैं कि नाश्ता लेके बैठे रहते हैं? तो मैं क्या करती हूँ कि आजकल फबिया को मैंने ऐसे बिजी रखा हुआ है कि मैं उसको जो है ना वो यूट्यूब पे जो है ना टोडलर की ड्राइंग्स होती हैं जो बच्चों को बेसिक से खाते हैं, तो वो लगा के मैं इसको बैठ जाती हूँ इसके साथ और इसको जो है ना वो ड्राइंग करवाती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है और इसको भी मज़ा आता है और कलर्स के साथ खेलना और इसको ड्राइंग्स वगैरह बनाने में, वैसे ये इसको बहुत मज़ा आता है, काफ़ी क्रिएटिव काम भी होता है और हमें खुद इतना मज़ा आता है। मैं इसके साथ बैठ जाती हूँ और मेरी एक ये थेरेपी होती है कि यार मुझे बचपन याद आ जाता है, कलर्स वगैरह करना ना बड़ा मज़ा आता है। मैं और फबिया मिलके ना, तो हम दोनों जो है ना वीडियो से गा के बैठ जाते हैं और हम ये कहते हैं कि फबिया आओ अब ये ड्रॉ करें, अब ये ड्रॉ करते हैं ना, तो काफ़ी हमारा टाइम जो हमारा इस तरह भी गुजर जाता है ना। ये देखें, फबिया को मैंने ये लगा के दिया था और फबिया ने एग्जैक्ट जो है वो इसी तरह जो है वो कॉपी करने की कोशिश की है। पायराजा, एक हाथ में कैमरा है और पीछे से फबिया जो है वो हंस रही है। अपनी कॉफी को एंजॉय, क्योंकि मैंने अपने आप को जगाना है नींद से, नींद को यूं करके भगाना है ताकि मेरा ये जो ऊपर वाला हिस्सा बंद हुआ है ना थोड़ा सा खुल जाए। तो कॉफी पीती हूँ और उसके बाद सोचती हूँ कि क्या करना है, क्योंकि आज मुझे काफी कुछ प्रोडक्टिव काम करने हैं। सो गाइस, तो हुआ कुछ यूं है कि आप लोगों को मेरा फेस देख के पता लग गया होगा कि नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम फिर नहीं जा रहे। क्योंकि अभी अभी मेरे नंबर पे वकास की कॉल आई है और वो कह रहे हैं कि जनाब मेरी गाड़ी जो है वो रास्ते में साथ छोड़ गई है, गाड़ी में कोई मसला आ गया, ख़राब हो गई है, तो कह रहे हैं मैं सीधा मैकेनिक के पास जाऊंगा और फिर गाड़ी ठीक करवा के फिर आऊंगा घर। क्या बताऊं यार, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि मेरी एक्साइटमेंट मेरे आड़े ना आए,
लेकिन यार कोई बात नहीं, हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलियत होती है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं नहीं बताऊंगी कि कल जाएंगे या परसों जाएंगे, अब जब जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो कोई बात नहीं, मिक्स्ड इमोशंस हैं, थोड़ा थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि कब से प्लान कर रहे हैं और वो प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो खैर कोई बात नहीं, अभी मैं हो गई हूँ जल्दी से रेडी और मैं फबिया को जो है वो लेके जा रही हूँ पार्क, तो वहीं से हमें फबकाज जो है वहीं से ज्वाइन कर लेंगे। तो चलते हैं। ओके नाउ मम्मा एंड फबिया गोइंग टू पार्क, लेट्स कम 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 कम। सीन्स कुछ यूँ हैं कि हम लोग पहुँच गए, मैं और फबिया आ गए हैं पार्क, फबिया ये बैठी हुई है और फबिया एज़ यूजुअल फबिया को मैं स्नैक्स खिला रही हूँ। पहले मैंने कहा इसको पहले स्नैक्स खिला दूँ ताकि ये अच्छे से अपना काफ़ी टाइम तक देर तक खेलती रहे जब तक वकास नहीं आते। अक्सर इसको जब ज़रूरत होती है ना बाहर जाने की तो हम इसको ना वकास और मैं जो है ना यहाँ लेकर आ जाते हैं, तो ये अपना अच्छे से टाइम स्पेंड करती है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ना प्ले एरिया बनाया है इन्होंने। भैया देखें इसके काम चेक करें, खेलना था लॉलीपॉप, मुझे देके चली गई है, इसकी खुशी चेक करें। पार्क आके तो ये खुल जाती है बच्ची। ओह यस यस यस, इसको देखें जरा स्केटिंग सेक्शन में आके और ये स्केटिंग ही नहीं कर रही है। ड्रामे चेक करें, क्या क्या बच्ची है यार, क्या बच्ची है, वाह 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 वाह। स्कूटी अपनी वहाँ छोड़ के और ये जो है ना खुद इधर से नीचे आ रही है और अभी देखें क्या करेगी। ये चेक करें जरा इसको, क्या बच्चे हैं यार, इन्हें स्कूटी चलानी नहीं। चलो फबीहा, डैडी इज हियर, बाबा की कॉल आ गई है, बाबा इज वेटिंग, कम 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 लेट्स गो। तो बेब आज आप मुझे लेकर जा रहे थे, टाइम ही सारा खराब हो गया आज ना। हां ना यार, अच्छा भला हमने डिसाइड किया था, कोई ना अच्छा खासा प्लान किया था जाने का और गाड़ी खराब हो गई। तो आपने जान पूछ के तो नहीं खराब देखा ना, गाड़ी ने धोखा दे दिया। नहीं ये तो पता बताया कि पता नहीं लगता कब क्या हो जाए, अच्छा खासा प्लान था, सारा प्लान चेंज हो गया हमारा। वैसे मैंने चलो अब आगे चलेंगे, अभी वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पे देखेंगे। बताया तो नहीं तुमने कहाँ जाना? नहीं बिल्कुल, एक्साइटमेंट रखना, अगले ब्लॉग में बताएंगे कहाँ जाना। हां जी नेक्स्ट ब्लॉग में हम बताएंगे। आते साथ ही मैंने रख दिए थे जल्दी से अंडे बॉयल होने के लिए, क्योंकि लग रही है बहुत शदीद किस्म की भूख और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैंने वकास को बोला आप नीचे तंदूर से ही रोटी ले लें और सही मरने वाली हालत हुई है। वैसे मेरी शक्ल से आपको लग रहा होगा देखें कि कितनी भूख लग रही है मुझे ना, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग कर रहे थे वकास का वेट और अब हम लोगों को हो गया है काफ़ी ज़्यादा टाइम, तो जल्दी से रेडी करते खाना, खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों को जो स्किन केयर बता रही हूँ जो कि मैं अप्लाई करती हूँ और मुझे काफ़ी उससे फ़र्क पड़ा, क्योंकि मुझे एक्ने का बहुत ज़्यादा इशू था। तो मेरे पास है जी दी ऑर्डिनरी का ये पीलिंग सॉल्यूशन है, ये इतना ज़बरदस्त है इसका रिजल्ट कि जो है ना इसको एक बार यूज़ करने में, पहली दफ़ा ही यूज़ करने में जी इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि आप लोग खुश हो जाएंगे इसको लगा के फ़ौरन ही, ठीक है। इसको कहते हैं ये दी ऑर्डिनरी ब्रांड है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन वर्थ इट है। इसके लिए केमिकल एक्सफोलिएशन होता है जो कि हमारी स्किन पे हम जब अप्लाई मतलब हम स्किन पे अप्लाई करते हैं तो हमारी जो डेड स्किन होती है उसको ये पील करता है, ठीक है। हमारी जो पुरानी वाली स्किन होती है जो बिल्कुल डेड सेल्स होते हैं और डेड स्किन होती है उसको ये पील करके हमारी जो बिल्कुल न्यू स्किन होती है ना, बेबी स्किन जिसे कहते हैं, ये उसको जो है बाहर लेकर आता है और उससे जो हमारी स्किन जो है वो फिर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, क्योंकि इसमें है ए एच एस एंड बी एच एस, ठीक है। ए एच एस जो है वो 30% है और जो बी एच है वो है 2% है। बेसिकली ए एच एस जो है वो एसिड होता है, उसमें क्या कहते हैं सिट्रिक एसिड होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, जो कि इसका क्या होता है, ये चीज क्या करता है हमारी जो डेड स्किन होती है उसको ये पील करके न्यू स्किन को बाहर लेकर आता है। और BHA जो है वो ऑयल सॉल्यूबल्स होते हैं जो कि जिसमें सैलिक एसिड होता है और ये क्या करता है कि हमारी जो पोर्स होते हैं ना, ओपन पोर्स, ये हमारे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जिसको स्ट्रॉबेरी स्किन हो जाती है हमारी जैसे, पोर्स के अंदर जो ऑयल होता है ये डर्ट को रिमूव करता है।
पड़ता है, ठीक है। हमारे आहिस्ते से जो हमारे पोर्स होते हैं जो ओपन हुए हुए थे वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, फुल ऑफ एसिड है। तो इसको आपने बहुत ही बहुत केयरफुली इसको यूज़ करना है। सबसे पहली बात तो आपने, मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको डे में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैं पर्सनली भी इसको रात के टाइम जो है सोने से पहले मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अगर हम इसको डे में इस्तेमाल करते हैं आपको फिर जो सनस्क्रीन होती है ना वो स्ट्रांग वाली इस्तेमाल करनी पड़ती है, और आपको सनलाइट से बचना होता है, इंटरेक्शन ना ही हो तो सनलाइट का तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। फेस वॉश करें, अच्छे से क्लीन करें फेस को, और फिर आप इसको लगाएं और आराम से आप इसको लगा के उतार के सो जाएं, ठीक है। उसके बाद आप अपने फेस पे कोई भी मॉइस्चराइजर इस्तेमाल नहीं करें। नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे मॉर्निंग में तो आप देखेंगे आपकी जो स्किन है वो इतनी सॉफ्ट हुई हुई होती है और इतनी क्लीन हुई भी होती है कि आपको खुद जो है वो जब आप हाथ लगाते हैं आपको खुद महसूस होता है आपकी स्किन लास्ट नाइट कैसी थी और मॉर्निंग में कैसी होगी। लेकिन आपने जो है वो सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करना है आपको। मैं ये वैसे भी मैं आपको बताऊँ, ये आप अप्लाई करें ना करें, लेकिन सनस्क्रीन हम लोगों को लाजमी अप्लाई करनी चाहिए, चाहे आप घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। कि एक्टिव एक्नी होगी वो ये इस्तेमाल नहीं करेगा, बिकॉज वो जो आपकी एक्टिव एक्नी होती है ना, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी एक्नी बिगड़ जाएगी, ठीक है। आपकी जो स्किन है वो मजीद खराब हो जाएगी, उससे आपका कम्प्लेक्शन जो है वो ब्राइट होता है, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है, बेबी स्किन टाइप हो जाती है, और आपकी एक्नी स्पॉट्स जो है वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। और चौथी बात ये कि जो आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं ना, उसको ये बहुत कम करता जाता है। अगर आप पहली दफा यूज कर रहे हैं तो जस्ट 5 मिनट्स के लिए इसको यूज करें फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, और सेकंड टाइम फिर आप इसको 10 मिनट के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं यूज करें। अच्छा, तो अब मैं इसको जो है वो आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये देखें, ऐसे आपने इसको अप्लाई करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये जो आई का ये वाला बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है तो आपने इसको अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे बिल्कुल भी, और ऐसे आपने इसको, मैंने 10 मिनट्स का टाइमर जो है वो लगा दिया है, और 10 मिनट्स बाद जो है मैं इसको वॉश करूँगी। फिट है यार, और आप ये देखें मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट और इतनी स्मूथ हो गई है ना, इतनी शाइन करी है, देखें कितना ग्लो आ गया है ना। अभी अब मैं इस पर अप्लाई नहीं करूंगी, मैं इसको एज इट इज रहने दूंगी, और आराम से सुबह उठूंगी सनब्लॉक अप्लाई करूंगी, लोशन अप्लाई करूंगी, अपना जो मॉइस्चराइजर है, एंड दैट्स इट। सो गाइस, आज का ब्लॉग हम करते हैं यहाँ पे एंड, खाना वाना भी हो गया, सब कुछ हो गया, और आज का ब्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगला ब्लॉग लाजमी देखिएगा। अगले ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हम लोगों ने कहाँ जाना था, और ये एक सरप्राइज है और एक्साइटमेंट भी है, अभी बरकरार है, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।